मांडू बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम प्रसंग के लिए विख्यात है और मांडू इसी तरह के दरवाजे के लिए विख्यात है। इस समय आलमगीर दरवाजे पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी, आइए आपको मांडू दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये रहा आलमगीर दरवाजा। काकड़ा खोह से मांडो की ओर जब आगे आप बढ़ने लगेंगे तो सबसे पहला दरवाजा आलमगीर के नाम से आएगा। औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर भी था और जब औरंगजेब मांडू में आए तो उनके आने की खुशी में यह दरवाज़ा बनाया गया। यह दरवाज़ा 31 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा, जिनके बीच में चार मेहराबे हैं और इसका स्थापत्य सरल और साधारण शैली में है। इस दरवाजे के सामने बारबिकन में एक दीवार वाले बाड़े के साथ दो वर्ग के गढ़ों का निर्माण किया गया है। यह गेट धनुषाकार है और इस भवन की ऊंचाई वर्तमान स्तर से लेकर कंगोरे तक के शीर्ष तक 11 मीटर है। इमारत के बाहरी भाग में एक सपाट छत है। अभी मैं छत आपको दिखाने ले चलता हूँ और जो स्लैब से ढका हुआ है और कुछ पारंपरिक प्रकार के बाहरी मेहराब के खूंटे के साथ नक्काशीदार चिनाई के एक बैंड को छोड़कर गेटवे की वास्तुकला वाकई में बहुत सुंदर है और सरल है और सादा भी है। तो इस तरह से ये आलमगीर दरवाज़ा है। इस दरवाजे के छत पर जब आप जाएंगे ना तो छत से चारों तरफ मांडू, ये सामने एक मांडू पौंड है आपको ऊपर से दिखाई देगा और चारों तरफ जो मांडू का जो नैसर्गिक छटा बिखरा पड़ा है वो इस छत से बराबर दिखाई पड़ता है। तो चलिए आइए दूसरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला दरवाजे का नाम है भंगी दरवाज़ा। ऐसा किंवदंतियों में है कि जब यह दरवाज़ा बनाया जा रहा था तो भंगी समाज के एक व्यक्ति की बलि चढ़ाई गई थी, इस कारण से इस दरवाजे का नाम भंगी पड़ गया और तब से ये भंगी दरवाज़ा और बाद में लोगों ने इसे खूनी दरवाजा भी कह दिया। तो ये रहा भंगी दरवाजा। इस दरवाजे का नाम है कमानी दरवाज़ा। यहाँ पर लड़ाई के दौरान दुश्मनों के लाशों को इसी दरवाजे से नीचे खाई में फेंक दिया जाता था, इसलिए इस दरवाजे का नाम कमानी दरवाज़ा पड़ा। चौथा दरवाज़ा गाड़ी दरवाज़ा है। ये पहाड़ी के उत्तरी भाग पर स्थित 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। गेट के अंदर सुरक्षा कर्मियों के लिए कमरे भी बनाए गए थे। इस गेट के दोनों तरफ ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। तीरंदाजों को दुश्मनों पर हमला करने में बढ़त मिले इसलिए इस दरवाजे का निर्माण किया गया और इस दरवाजे के दोनों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं जिसमें तीरंदाज लोग अपने तीर का कमाल दिखाकर हमलावर सेना को रोक देते थे। चौथा दरवाजा पार करने के बाद अब आप मांडू शहर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के साथ ही ये पहली इमारत जो दिखाई देगी, गदा शाह का हाउस एवं उनकी दुकान। ये 15वीं शताब्दी में गदा शाह नाम के एक व्यापारी कह लीजिए या वणिक कह लीजिए यहाँ रहा करते थे और ये उनका घर भी हुआ करता था और ये उनकी दुकान भी हुई करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनके घर और दुकान को टेकओवर किया है और इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और अभी ये बाहर से पर्यटकों को देखने को मिल रहा है, कुछ समय बाद अंदर से भी देख सकते हैं और कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सोनगढ़ का किला, ये मांडू का एक मांडू टाउन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये सोनगढ़ का किला और इसमें सोनगढ़ महादेव का मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, दादा हनुमान सरकार का मंदिर, तीन मंदिर इसके अंदर है। तो आइए सोनगढ़ का किला आपको दिखाते हैं। सोनगढ़ के किले का कायाकल्प आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है और बहुत जल्द ही पर्यटकों को जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसका बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। ये किला राजा आनंद देव ने बनवाया था
ऐसा मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और मांडू का किला मालवा मध्य प्रदेश में बिंध की सोनागढ़ी पहाड़ी पर ही स्थित है और यह पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 630 मीटर की ऊंचाई पर है। अपने वैभवशाली दिनों में मांडू का किला अपने शासकों के आमोद प्रमोद का प्रमुख स्थान रहा है। 10वीं शताब्दी के बाद यहाँ परमारों का शासन हुआ और उसके बाद इस किले पर बाज बहादुर का आधिपत्य हो गया। सोनगढ़ का यह किला मांडू के प्रवेश द्वार में से यह भी एक किला है जो प्राचीन समय से अपने आकर्षण का केंद्र ये बना रहा है। मांडू जाने से पहले या वापस आने के समय पर्यटक इस किले के दीदार के लिए जरूर पहुंचते हैं और यहाँ पर सेल्फी फोटोग्राफी पॉइंट पर्यटकों के लिए विशेष माना जाता है और इस किले के ऊपर से मांडू की घाटियाँ देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। मांडू के ऐतिहासिक इमारतों में से यह सोनगढ़ का किला अपने मूल स्वरूप को खोता जा रहा है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत जल्द आप लोगों को मूल रूप देकर और इसे भी पर्यटकों के लिए लगभग लगभग अगले वर्ष के 15 जून तक यह आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसका लोकार्पण हो जाएगा। यह सरोवर आप देख पा रहे हैं, ये हनुमान मंदिर और सामने माता जी के मंदिर के मध्य में है, जो आने वाले समय में इन दोनों मंदिरों के मध्य में यह शोभायमान होगा और जब ये आप सभी के देखने के लिए ओपन कर दिया जाएगा तब आपको यहाँ आना वाकई में मांडू घूमने के एक केंद्र के रूप में होगा। सोनगढ़ किला से चलिए वापस चलते हैं। किला बहुत हाइट पर नहीं है, एक पहाड़ी है छोटी सी, उसी पहाड़ी पर है और अंदर तीनों मंदिर छोटे छोटे हैं, अभी निर्माणाधीन है। और काली जी का मंदिर कुछ ठीक दिखा और उसी बीच में एक पॉन्ड दिखा मुझे जो थोड़ा ठीक लगा मुझे, तो ये आने लायक जगह है। तो आइए जगह से दूसरी जगह चल के आपको ज्वाइन करते हैं। हमारे पीछे आप नीलकंठेश्वर धारा देख रहे होंगे जो एक कुंड के रूप में है। आइए इसी कुंड का जल भगवान शंकर को जलाभिषेक भी कर रहा है, तो आइए मंदिर में चलते हैं और वहाँ भोलेनाथ से आपको भी मिलाते हैं और हम भी मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। नीलकंठ महादेव मंदिर 6 फीट ऊंची मोनोलिथ शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और इस मंदिर का निर्माण 1458 में राणा सांगा ने किया था और फिर बाद में 16वीं शताब्दी में अकबर के तत्कालीन गवर्नर ने इसे आज का स्वरूप दिया है और इसमें उर्दू में कुछ लिखा भी है और कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वर्ष 2012 में एक गुजराती फिल्म बनी थी स्वामीनारायण के नाम से, जिसकी शूटिंग यहीं पर हुई और यहीं नीलकंठ भगवान के बारे में भी उसमें महिमा मंडित किया गया है और उसमें ऐसा बताया जाता है कि हु रेनाउंस हिज होम एंड टुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल इनक्रेडिबल पिलग्रिमेज ऑन द फूट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ इंडिया। तो ये स्वामी नारायण जी के बारे में उस फिल्म में थोड़ा बहुत बताया गया था। यदि जिस किसी ने इस फिल्म को देखा हो तो मुझे भी बताने का ज़रूर कष्ट करिएगा, हम भी थोड़ा उससे ज्ञान अर्जित करेंगे। अकबर की पत्नी जोधाबाई, जिनका एक नाम मरियम उज जमानी भी था, उन्होंने यहाँ पर जब दर्शन करने वो आई तो यहीं पर शिवलिंग के दर्शन के बाद उन्होंने अकबर से आग्रह किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। जो आज का स्वरूप है ये जोधाबाई की देन है और तब से ये मंदिर जनमानस में श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है।
आइए भगवान नीलकंठेश्वर का जो नील कंठ सरोवर में जल इकट्ठा हो रहा है, इस जल का आचमन करें, उससे हस्त प्रक्षालन करें और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमारे साथ आप भी बने रहिए। ओम नमः शिवाय। और वहाँ चल के हम आपको ज्वाइन करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रकृति को हमेशा माँ पार्वती स्वरूपा माना गया है और वही माँ पार्वती जल के रूप में भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रही हैं। जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये अति प्राचीन शिवलिंग है और कुछ लोगों का मानना यही है कि स्वामी नारायण जी का बचपन इसी मंदिर के आसपास बीता और बचपन से ही स्वामी नारायण जी भगवान शिव के आराधक रहे। भगवान शिव की श्रद्धा विश्वास उनके जीवन का मूल अंग रहा है। स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली में और अहमदाबाद में विशेष परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत सुंदर मंदिर है और स्वामी नारायण जी का यह एक स्थान भी है। अब आइए हम आपको इस मंदिर में एक सर्पाकार नीलकंठेश्वर जल के निकास को दिखाते हैं कि जिसमें भगवान शंकर का यह जल जो अति पावन और श्रद्धा का विषय है, इसको आप देखिए और बोलिए ओम नमः। नीलकंठ महादेव का दर्शन वाकई में बहुत सुंदर दर्शन है। एक तरफ जल की धारा बह रही है और उसी जल धारा से भगवान शंकर का जलाभिषेक भी हो रहा है और वहीं नंदी भी हैं और उनका त्रिशूल भी है। बहुत सुंदर दर्शन हमने पाया। ओम नमः शिवाय। अरे पीछे सागर तालाब आप देख रहे हैं और ये सागर तालाब इको पॉइंट के ठीक सामने है और इको पॉइंट के ठीक पीछे दाई का मकबरा है। तो ये तीनों एक साथ, बीच में सड़क एक सीमा रेखा बनाती है दोनों के बीच में। तो आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दाई का मकबरा, इको पॉइंट और सागर तालाब। इको पॉइंट पर आने के बाद आप अपनी आवाज़ को जरूर उच्चारिए, बोलिए, तीव्र गति से बोलिए और देखिए आपकी आवाज़ इस जगह पर रिटर्न होगी, वापस आएगी, इको करेगी। तो ये पॉइंट इको पॉइंट है और यहाँ पर 15वीं शताब्दी में जब दुश्मन की सेना नज़दीक आ जाए तो इको पॉइंट के जरिए अपने सेना को सतर्क करने का काम यहाँ के पहरेदार लोग किया करते थे और इसलिए उस ज़माने से ये इको पॉइंट का नाम चला आ रहा है और आज भी है। और यहाँ पर एक दाई का मकबरा भी है, वह मकबरा भी सामने इको पॉइंट के है। आप अंदर पीछे से जा सकते हैं, हमने केवल आपको दाई के मकबरे का केवल दृश्य दिखाया है और उसके बाद हम सागर तालाब की ओर आपको लिए चलते हैं। किसी भी सागर से इस तालाब का कोई संबंध नहीं है क्योंकि इस तालाब का स्वरूप इतना बड़ा है कि यहाँ पर यह सागर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस तालाब का नाम सागर तालाब पड़ा है। और ये इको पॉइंट के ठीक सामने दूसरी तरफ है, बीच में सड़क एक सीमा रेखा के रूप में है। सड़क के दूसरी तरफ इको पॉइंट और उल्टी तरफ आप आएंगे तो आपको सागर तालाब दिखेगा और बहुत ही सुंदर जगह है, जरूर आइए।
पूरे मांडू शहर में 15वीं शताब्दी की इमारत जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर थे तो ऊपर आकाश में ये ग्लाइडर दिखा। ये ग्लाइडर मैकेनिकली ऑपरेटेड है और हमिंग की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसलिए उसके आवाज़ को हमने नहीं दिखाया। इसमें एक गाइड के साथ एक व्यक्ति इस ग्लाइडिंग व्यवस्था का पार्ट बन सकता है, जिसका शुल्क 800 रुपया है। यदि खुली आसमान में आप उड़ना चाहते हैं तो बेशक रानी महल के ऊपरी पहाड़ी से ये सफ़र आप कर सकते हैं। जामी मस्जिद मांडू के सेंटर प्लेस पे है। कहीं से भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, ये मस्जिद बार बार आपको अटेंड करेगा। तो इस मस्जिद के अंदर आप ज़रूर आइए, अंदर का सीन आप ज़रूर देखिए। और समय अभाव में हम केवल आपको दृश्य ही दिखा पाए, क्योंकि जब हम आए तो ये मस्जिद का समय शाम के 6 बजे बंद होने का है, वो बंद हो चुका था, तो इस वजह से हम आपको अंदर से मस्जिद नहीं दिखा पाए। विशाल मस्जिद का निर्माण मांडव के सुल्तान हुसैन शाह गोरी ने आरंभ किया और महमूद शाह खिलजी ने सन 1454 ईस्वी में इसको पूरा कराया। भारत की बड़ी बड़ी मस्जिदों में भी इसकी गणना होती है। जाली और रंगीन टाइलों के अतिरिक्त गुंबजों और मेहराबों का दृश्य जो भीतरी विशाल चौक से दिखाई देता है विशेष उल्लेखनीय है। इसकी पश्चिमी दीवार को सुंदराकृत मेहराब तथा ऊंचे मंच से सुसज्जित किया गया है, जैसे हिंदू शैली में किया जाता है। और जामी मस्जिद का प्रवेश शुल्क 25 रुपया पर हेड है। चूँकि हम आए तो समय 6 बज चुका था, इसलिए गेट बंद हो गया और हम आपको केवल बाहर से दिखा पा रहे हैं। तो ये रहा जामी मस्जिद। जामी मस्जिद से चलिए, चूँकि जिस काम के लिए हम लोग आए, बाज बहादुर और रानी रूपमती से मिलने और उनके महल को देखने आए, तो चलिए वहीं चलते हैं और अगले एपिसोड में रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल आपको दिखाते हैं। नमस्कार।